दोस्तों Google Pixel के आप लोग अब तक बहुत सारे रिव्यूज़ देख चुके हैं, बट उनमें कैमरा के अलावा बाकी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है, फ़ोन ओवरहीट होते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसा फ़ोन लेके आया हूँ जिसमें आपको कोई भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ फेस नहीं करना पड़ेगा। इस फ़ोन की बैटरी काफ़ी सॉलिड है, कैमरा Google Pixel के लेवल का है। इसके फ्रंट पे आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि HDR 10 प्लस सपोर्टेड है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है, बट इसमें LTPO टेक का सपोर्ट नहीं मिलता। आपको डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ के बीच में ही स्विच कर सकता है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है और इसकी पिक्सल डेंसिटी भी काफी सॉलिड है, 425 PPI। सैमसंग का फोन है तो ब्राइटनेस तो आपको इस फोन में सॉलिड मिलने ही मिलने वाली है। आपको इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफी सॉलिड मिलने वाली है। इवन एक्सट्रीम सनी डेज में भी आपको काफी डिसेंट विजिबिलिटी मिलेगी। आप डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो आप इसे 60 कर दें, अगर आपको स्मूथनेस ज्यादा चाहिए तो आप इसे 120 हर्ट्ज कर दें। बैटरी लाइफ इस फोन की काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट आप लोग देखें इस फोन का फ्रंट कितना खूबसूरत है। आपको फोन की हर साइड पे काफी मिनिमल और यूनिफॉर्म बेजल देखने को मिल रही है, अनलाइक अदर डिवाइसेस जिनमें आपको नीचे चिन देखने को मिलती है। डिस्प्ले इसका काफी विविड है, आपको काफी ब्राइट कलर्स मिलते हैं और कलर एक्यूरेसी का भी आपको काफी अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा डिस्प्ले के कलर आप अपनी मर्जी से ट्वीक कर सकते हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ओवरऑल इसके करंट प्राइस पॉइंट पे ये फोन आपको डिस्प्ले में काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसमें दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक आपको एक्सिनोस 2200 वाला मिल रहा है और एक आपको स्नैपड्रैगन 8 जन 1 वाला मिल रहा है। मेरे पास इस टाइम स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है और मैं आपको यही रेकमेंड करता हूं कि आप स्नैपड्रैगन वाला ही बाय करें, क्योंकि एक तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एक्सिनोस से ज्यादा पावरफुल है और दूसरी बात एक्सिनोस वाला प्रोसेसर काफी ज्यादा हीटअप होता है। तो कोशिश करें इसको बाय करने से पहले आप इसमें कोई बेंचमार्क की ऐप इंस्टॉल कर लें जो कि आपको बता देगी कि आप एक्सिनोस वाला फोन बाय कर रहे हैं या फिर आप स्नैपड्रैगन वाला बाय कर रहे हैं। रैम आपको इसमें 8 GB मिलती है और स्टोरेज भी आपको में काफी फास्ट मिल रही है, UFS 3.1। एंड्रॉइड वर्जन भी इस पे बिल्कुल लेटेस्ट 14 चल रहा है और साथ ही आपको सैमसंग की वन UI 6.1 मिल रही है, जो कि काफी यूजर फ्रेंडली है और आपका फोन यूज करने का एक्सपीरियंस इससे काफी अच्छा हो जाता है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जन 1, इस सब के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में आपका फोन काफी फ्लूइड और स्मूथ होता है। गूगल के फोन में बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, बट एक चीज मुझे काफी बुरी लगती है कि उसके प्रोसेसर रॉ पावर के मामले में काफी वीक होते हैं। इस फोन में आपको काफी सॉलिड रॉ परफॉर्मेंस मिलती है। एंटीटू बेंचमार्क की बात करें तो आपको इसमें 8,40,000 के आसपास स्कोर्स मिलते हैं। नॉर्मल रूटीन टास्क की बात करें तो ये फोन बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है और इस फोन पे आप लोग काफी हैवी गेम्स प्ले कर सकते हैं अच्छी ग्राफिक सेटिंग्स पे। इस फोन का डिजाइन मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और काफी ज्यादा हैंडी है। कैमराज की अरेंजमेंट काफी मिनिमल है और दिखने में काफी डिसेंट लगती है। और सबसे अच्छी बात, बैक इसकी फ्रॉस्टेड फिनिशिंग में है और इसकी बैक पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस मिलता है। फोन की साइड रेज इसके एजेस की तरफ कर्व कर रही है, जिसकी वजह से इसे यूज करना काफी कंफर्टेबल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस फोन में आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की रेटिंग काफी अच्छी मिलती है, IP68। बाकी यार ये चीज तब तक इफेक्टिव है अगर आपको वाटर प्रूफ जेन्युइन डिवाइस मिले, तो वो आप मेरे रेकमेंडेड पेज परचेस कर सकते हैं, काफी ट्रस्टेड सेलर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रंट पे भी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस मिलता है। सबसे मजेदार बात, इस फोन का डिस्प्ले फ्लैट है और अपने कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट होने की वजह से इस फोन को आप वन हैंड से इजिली मैनेज कर सकते हैं। इस फोन में आपको 3700 mAh का बैटरी सेल मिलता है, जो कि आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतना इंप्रेसिव नहीं है, बट अगर सैमसंग की लेटेस्ट डिवाइस S24 की बात करें तो उसमें भी आपको स्लाइटली बिगर बैटरी मिल रही है 4000 mAh की, बट वहां पे प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है और डिस्प्ले भी काफी कम पावर कंज्यूम करता है, तो उसकी बैटरी लाइफ काफी सॉलिड है। इस फोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 जन 1 मशहूर जमाना पावर हंग्री प्रोसेसर है। डिस्प्ले भी इसका 120 हर्ट्ज है, LTPO टेक का आपको इसमें सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो भी काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अगर आप इसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज कर दें तो ये आपको इजीली 5.5 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम दे जाएगा, बट अगर इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पे होगा तो आपको हार्डली 5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा नॉर्मल यूज पे। और अगर आप हैवी यूज करते हैं तो इसके स्क्रीन ऑन टाइम पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको 4.5 से 4 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। और अगर एक्सट्रीम की बात करें, कंटीन्यूअस हैवी गेमिंग की बात करें, तो ये फोन आपको 3 से 3.5 घंटे ही स्क्रीन ऑन टाइम देगा। बैटरी लाइफ इस फोन की अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है, इसके बिटवीन ही कहीं फॉल करती है। और जहां तक चार्जिंग की बात है तो आपको इसमें 5 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, साथ ही आपको 15 वाट वायरलेस चार्जिंग और 5 वाट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी यार यूज फोन्स की बैटरी लाइफ उनकी बैटरी हेल्थ पे डिपेंड कर रही होती है, तो कोशिश करें किसी अच्छे ट्रस्टेड सेलर से ही परचेज करें।
इस फोन की एक और अच्छी चीज इसका अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अनलाइक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर ये तेज लाइट शाइन नहीं करता जो कि डार्क में काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। और अगर आपके हाथ थोड़े से गंदे हैं या उस पे थोड़ा सा पसीना आ रहा है तब भी इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। ये आप लोग क्लोजअप में देख सकते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कहीं से भी लाइट शाइन नहीं कर रहा। और एनरोलमेंट की स्पीड चेक करें, मेरी फिंगर कितनी जल्दी रजिस्टर हो गई। अब आपको इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की अनलॉकिंग स्पीड चेक करवा देता हूँ और ये चेक करें आपको गूगल पिक्सल में या फिर किसी भी और ब्रांड की किसी डिवाइस में इतना स्नैपी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा। और डिस्प्ले ऑफ होने पे भी आप इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर से फोन को अनलॉक कर सकते हैं, तो ये भी काफी कन्वीनियंट फीचर है। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन क्या है। स्पीकर्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल स्टेरो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे बॉटम फायरिंग और एक ऊपर इसके एयरपीस में। फोन के साइज के हिसाब से इसके स्पीकर्स काफी लाउड हैं और काफी बेस रिच हैं। ऑडियो क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है, इसकी आवाज इतनी श्रील नहीं होती, कानों को काफी अच्छी लगती है। बाकी ये रहा इसकी ऑडियो का सैंपल जिससे आपको इसकी साउंड का और भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा। इसकी बैक पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो जूम कैमरा। और अगर आपने ध्यान दिया तो अब तक iPhone 15 Pro तक भी आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता रहा है। 5x कैमरा देना है तो अच्छे कैमरा सेंसर के साथ, अच्छे कैमरा लेंस के साथ, अच्छी स्टेबलाइजेशन के साथ दें, अदरवाइज 3x कैमरा मोर देन एनफ है। हमें अच्छे पोर्ट्रेट्स भी मिल जाते हैं और हमें अच्छी जूमिंग रेंज भी मिल जाती है। तो यार ये इसकी कैमरा ऐप का इंटरफेस है, ये गूगल या फिर एप्पल की तरह बिल्कुल क्लीन नहीं है, बट नॉर्मल यूजर इजिली यूज कर सकते हैं। और आप जैसे मेरे जैसे क्रिएटिव लोगों के लिए इसमें काफी सारे फीचर्स हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड प्रो मोड फोटोग्राफी के लिए भी मिलता है, वीडियोग्राफी के लिए भी मिलता है, और भी इसमें बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं। अगर आप इसका इन डेप्थ कैमरा रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी अगर जूमिंग की बात करें तो इसमें आपको 0.6x से 30x तक की फोकल रेंज मिलती है और 30x पे भी कैमरा OIS की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है। ये शॉट इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा का, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतनी डार्क लाइटिंग में भी फोटो काफी सॉलिड है। ये इसके मेन कैमरा का शॉट है और आपने अल्ट्रा वाइड के कंपैरिजन में मैसिव क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखी होगी, बट स्टिल इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफी सॉलिड है। आपको इसमें 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज मिलता है। अब ये इसके 3x कैमरा का शॉट है और 3x कैमरा में भी आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से लो लाइट में भी आपको इतनी डिटेल्ड फोटो मिल रही है और बैकग्राउंड में हार्श लाइट को भी कैमरा ने काफी अच्छे वे में कंट्रोल किया। 10x जूम्ड इन शॉट है और आपको इतनी ट्रिकी लाइटिंग कंडीशन में भी काफी यूजेबल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। 20x जूम्ड इन शॉट है और यहाँ पे भी रिजल्ट्स इतने ज्यादा बुरे नहीं है। ये इसका 30x जूम्ड इन शॉट है और इतनी डार्क लाइटिंग के हिसाब से यहाँ पे फोटो क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। आप लोगों ने हर वीडियो में रोला डाला होता है कि मैं फ्रंट कैमरा को टेस्ट क्यों नहीं करता, तो यार आप लोगों की बात मान के फ्रंट कैमरा का टेस्ट भी हाजिर है। अब आप लोगों ने मेरी बात माननी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो यार ये इसके फ्रंट कैमरा के रिजल्ट्स हैं और आप लोग देखेंगे फोटो में डिटेल्स कितनी हैंडसम है। फोटो में HDR भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि काफी ज्यादा गुड लुकिंग है। तो ये इसके फ्रंट कैमरा का एक और सैंपल है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फोटो में कलर एक्यूरेसी कितनी एलिगेंट है। बट जोक्स अपार्ट, आपको इसमें फ्रंट पे 10 मेगापिक्सल का काफी सॉलिड सेल्फी शूटर मिलता है, जिसमें आपको ड्यूल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात है। आपकी सेल्फीज किसी भी लेवल पे कभी भी ब्लर नहीं होंगे। एक फन फैक्ट बताता हूँ, इसकी बैक पे आपको जो टेलीफोटो कैमरा में सेंसर मिलता है उससे बड़ा सेंसर आपको इसके फ्रंट कैमरा में मिल रहा है। वीडियोग्राफी की बात करें तो आप इसके मेन कैमरा से 8K 24fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं और बाकी सारे कैमराज 4K 60fps वीडियो शूट करने के कैपेबल है। इवन इसका फ्रंट कैमरा भी 4K 60fps वीडियो शूट कर सकता है। अगर आप लोग इसके फ्रंट कैमरा के वीडियो सैंपल्स और इसके बैक कैमरा के मजीद वीडियो सैंपल्स देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल फिजान लेंस पे आपको इसका व्लॉगिंग टेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये इसका वीडियो सैंपल है, अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा से और हम शूट कर रहे हैं 1080p 60fps पे। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप का मसला नहीं है, जो कि हमें गूगल पिक्सल में देखने को मिलता है, इवन पिक्सल 8 प्रो में भी। अब ये इसका मेन कैमरा है और मेन कैमरा में आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और हमें HDR भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब ये इसका 3x कैमरा है, 3x कैमरा भी इसका काफ़ी सॉलिड है वीडियोग्राफी के लिए भी। ये आप लोग देख सकते हैं कि 3x कैमरा पे भी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको। इसमें आपको मैक्सिमम जूम मिलता है वीडियोग्राफी में 12x पे थोड़ा सा नॉइज़ है, बट स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है।
पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो आप इसके 1x कैमरा और इसके 3x कैमरा दोनों से पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। पिक्सल डिवाइसेस की तरह इसका 1x कैमरा क्रॉप इन नहीं करता तो रिजल्टिंग शॉट्स आपको काफी क्रिस्प मिलते हैं। और ह्यूमन फोटोग्राफी के लिए इसके 3x कैमरा की फोकल लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, आपको फेस डिस्टॉर्शन नहीं मिलती। तो यार ये इसके मेन कैमरा का लो लाइट पोर्ट्रेट शॉट है और रिजल्ट आप लोग चेक करें कितनी कमाल फोटो आई है। फोटो में बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा अप्लाई किया गया, इतनी ट्रिकी लाइटिंग में आपको एज डिटेक्शन चेक करें कितनी कमाल मिल रही है। और सबसे अच्छी बात फोटो में नॉइज नहीं है क्योंकि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है तो काफी ज्यादा लाइट गैदरिंग कर रहा है। अब ये इसके 3x कैमरा का शॉट है और यहाँ पे देखें कैमरा एंगल कितना परफेक्ट हो गया और मेरे फेस में जो 1x पे डिस्टॉर्शन थी वो भी खत्म हो गई है। अगर आप लोग इस फोन की प्राइसिंग देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसकी प्राइस भी देख सकते हैं और वहां से परचेज भी कर सकते हैं। काफी अच्छे और काफी ट्रस्टेड सेलर है, मैं उन्हें खुद मॉनिटर करता हूँ और आपकी पेमेंट्स भी मेरे अकाउंट में आती है तो आप लोग आंखें बंद करके कुछ भी परचेज कर सकते हैं। आप लोग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते और उनका वारंटी पीरियड जब तक खत्म नहीं होता तो मैं उन्हें पेमेंट्स रिलीज नहीं करता। बाकी ये रहा बिग बॉय S22 अल्ट्रा का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए